अगर आप आपके अपनों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रोसेसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन। हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं। WWICS। पिछले साल मॉडल और एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया था। हमला करने वाला शख्स काफी समय से मालवी का पीछा कर रहा था। मालवी पर हुए हमले के बाद कंगना रनौत आगे आईं, उनको न्याय दिलाने का वादा किया। हालांकि अब मालवी ने दावा किया है कि कंगना ने कभी उनकी हेल्प नहीं की। मुंबई मिरर से बात करते हुए मालवी ने कहा, मुझे कंगना पर बहुत भरोसा था, मुझे लगता था कि वो मेरी मदद करने के लिए आगे आएंगी, इसलिए मेरा चेकअप कर रहे एक डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर पब्लिक डोमेन में डाल दें। उसी दिन कंगना ने भी इस बारे में ट्वीट किया। वो इंडस्ट्री और नेपोटिज्म को टारगेट कर रही थी। उन्होंने ट्वीट किया कि वो मेरी मदद करेंगी और मेरे लिए लड़ेंगी भी। अपनी इंजरी से रिकवर होने के लिए मालवी को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने हेल्प मांगी थी। आगे बताया, जब मैं डिस्चार्ज हुई तो मैंने कंगना का वेट किया कि वो मेरी मदद करने के लिए आगे आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मालवी पर हुए हमले की खबर बाहर आने के बाद कंगना ने दो ट्वीट किए थे। पहले में लिखा, यही फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत है, जो लोग छोटे शहरों से स्ट्रगल करने आते हैं, जिनके प्रॉपर कनेक्शन नहीं होते, उनके साथ यही होता है। नेपोटिज्म किड्स चाहे खुद को कितना भी डिफेंड कर लें, पर उनमें से कितनों पर ऐसे हमला हुआ है या उनकी हत्या या रेप हुआ है। इसके बाद कंगना ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा को टैग कर लिखा था, डियर मालवी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने पढ़ा कि तुम्हारी हालत नाजुक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, रेखा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द हमलावर के खिलाफ एक्शन लिया जाए, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें न्याय दिलवा कर रहेंगे, भरोसा रखो। हालांकि इन दोनों ट्वीट्स में कहीं भी कंगना ने पर्सनल हेल्प करने की बात नहीं की है, हाँ न्याय दिलाने की बात जरूर की है। मालवी ने आगे आरोप लगाया कि कंगना की टीम से किसी ने भी उनसे कॉन्टेक्ट नहीं किया, उस समय मदद करने को उर्मिला मातोंडकर आगे आई। मालवी ने खुद ये जानकारी दी, कहा, उर्मिला जी ने मेरी बहुत मदद की, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरी मदद करेंगी, लेकिन वो हमला होने के बाद से ही मेरी मदद को आगे आ गई थी। मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने पुलिस को भी कॉल कर कहा था कि केस में जल्दी एक्शन लिया जाए। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब मालवी ने कंगना पर कॉमेंट किया है। उन्होंने पिछले साल 23 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी उर्मिला मातोंडकर के साथ, उर्मिला को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहा था और कंगना के लिए लिखा था कि वो झूठी हैं, बस बातें करना जानती हैं और कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर कई लोग मालवी के इस स्टेटमेंट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी कह रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास, ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।